एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा नीट 2024 के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विदर्भ का कोटा बहाल करने की मांग को लेकर पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। एसीआई ने केंद्र सरकार से नीट एवं परीक्षा में हुई धोखाधड़ी की विस्तृत जांच कर पात्र छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की है। एसीआई के अनुसार नीट 2024 परीक्षा में विदर्भ के सैकड़ों छात्रों ने 579 अंकों की अपेक्षित कट ऑफ को पार किया था, लेकिन परीक्षा में हुई गड़बड़ी के कारण सैकड़ों छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से वंचित रह गए। उम्मीद की जा रही है कि इस गड़बड़ी के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए कट ऑफ कम से कम 25 से 30 अंक बढ़ जाएगा। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कड़ी सजा मिले। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार इस धोखाधड़ी का उचित समाधान निकाले, विदर्भ के छात्रों को न्याय देने के लिए विदर्भ कोटा बहाल करे, प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए नीट के राज्यवार परिणाम सूचित प्रकाशित करें, प्रभावित छात्रों को मानसिक आघात के लिए वित्तीय मुआवजा मिले, पेपर लीक रोकने के लिए यह परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए। ऐसी मांग इस वक्त एसीआई नागपुर के अध्यक्ष रजनीकांत पोंडे ने की है। और ये डेटा को माइन्यूटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाओगे कि ऑलमोस्ट उतने सब ऑलमोस्ट जितनी सीट्स है उतने जो कैंडिडेट्स है लगभग थोड़े बहुत कम होंगे, कुछ अपने मेरिट्स पर आगे होंगे, बट ऑलमोस्ट वहां पर बैकडोर एंट्री एक तरीके से हो रही है। अगर इस तरीके के डॉक्टर बनेंगे तो हमारे हेल्थ सेक्टर का क्या होगा? NTA has lost all its credibility. अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट को है जो हमसे ज्यादा कंसर्न है। हमारा जो विदर्भ है, हमारे विदर्भ का जो डेमोग्राफी है, हमारा विदर्भ ऑल ओवर महाराष्ट्र के बाकी हिस्से से पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ के बच्चों का और कितना लॉस हुआ इसके आगे इन सब चक्कर के अंदर, इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालने के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ हमारे पैट्रन वानखेड़े सर को। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ मनीष टेबरी की रिपोर्ट।